महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी रैली हुई। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के इतिहास से लेकर प्रदेश की राजनीति और शरद पवार दोनों को अपने निशाने पर लिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर राज ठाकरे हनुमान चालीसा पर अड़े रहे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब अगर राज ठाकरे नहीं माने तो जाना पड़ेगा जेल। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद गहराता जा रहा है। हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। रविवार को औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मंच में रैली को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख ने साफ किया कि ईद के बाद अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लाउडस्पीकर पर दुगनी वॉल्यूम के साथ हनुमान चालीसा बजाएंगे। लेकिन अब अपने इस बयान पर राज ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। अगर अब राज ठाकरे कोई कदम उठाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने अपने भाषण से सरकार को जो धमकी दी है उसके बाद वो पुलिस के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक राज ठाकरे के भाषण की टेप मंगवाकर पुलिस उसे सुन रही है। इसके बाद पुलिस राज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। जिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली थी उसे पूरा किया गया या नहीं और अगर उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो फिर राज ठाकरे पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिया है। आपराधिक इतिहास वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस हिरासत में ले सकती है। इसके लिए रैली के बाद पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं राज ठाकरे को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी घेरा है। AIMIM सांसद इम्तियाज अली ने राज की कल की रैली के बाद पुलिस से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपील की है। तो वहीं इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हमारे मुंह में भी जुबान है, राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी इसका जवाब उसी अंदाज में दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर बवाल मचा है उससे साफ है सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को BMC चुनावों तक जिंदा रखना चाहते हैं। तो वहीं इन सब के बीच राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।